अस्सलामु अलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पबजी टेस्ट वीवो वाई 21 का। यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करेंगे, बैटरी ड्रेन करेंगे और फ़ोन ये हीटअप कितना होता है, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में देंगे। तो वीवो Y21 की पाकिस्तान में प्राइस 28,000 रुपये है। 4 GB रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है मीडिया टेक हीलियो P35 का। 5000 mAh की बैटरी है, IPS LCD वाला डिस्प्ले। तो देखते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसी रहती है और यहाँ पर हमें कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, बैटरी कितनी ड्रेन होती है। तो बैटरी जो है वो इस वक्त अवेलेबल है, 80% है। देखते हैं कितना बैटरी का खर्चा होता है। देखते हैं फ़ोन हीटअप कितना होता है। यहाँ पर हीट टेस्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर कमरे का टेम्परेचर 25.3 डिग्री है। फ़ोन का बैक साइड 27.27, अप साइड पर 28.28 है और स्क्रीन पर टेम्परेचर जो है वो 28 है, अप साइड से भी तकरीबन 28 डिग्री है। अब हम देखेंगे पबजी गेम एंड होने के बाद के कितना टेम्परेचर रहता है। पबजी की सेटिंग देख सकते हैं आप, स्मूथ में मीडियम में प्ले कर सकते हैं, बैलेंस में भी मीडियम में प्ले कर सकते हैं। तो HD में हाई का ऑप्शन नहीं दिया गया। और इसके अलावा एक और मज़ेदार बात सामने आई है कि यहाँ पर आपको जैरोस्कोप का ऑप्शन मिल जाता है। स्कोप ऑन, ऑलवेज ऑन, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर 3 मिनट्स हो गए हमने पबजी प्ले करते हुए। दोस्तों, जैरोस्कोप हमने ऑन किया था लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जैरोस्कोप में काफ़ी लैग कर रहा था ये और सही से प्ले नहीं हो रहा था। जैरोस्कोप में मैं प्ले भी नहीं करता, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है अब तक कभी कभी मुझे लैग लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी सामने आ रही है, काफ़ी लैग का प्रॉब्लम। 4 GB 64 GB तो है लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर जो है वो इतना दमदार नहीं है, गुजारा करेगा। अब नेक्स्ट आपको एंड में बताते हैं कि कैसी रहती है गेमिंग इस फ़ोन में।
PUBG टेस्ट हो गया है कंप्लीट, 26 मिनट और 42 सेकंड्स हमने जो है वो PUBG को टेस्ट किया है, और मेरे ख्याल में कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने इस पर लगाया है। फ़ोन काफ़ी हीटअप भी हो चुका है, बैटरी 73% रिमेनिंग है। 26 मिनट और 42 सेकंड में बैटरी का खर्चा मैं समझता हूँ नॉर्मल ही है, ठीक है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी, IPS LCD वाला डिस्प्ले, फुल ब्राइटनेस पर हमने प्ले किया है। बाकी यहाँ पर हम हीट टेस्ट कर लेते हैं, 236 डिग्री, 38 डिग्री है बैक साइड से, पहले 25, 26, 27 था, स्क्रीन वाली साइड से दोस्तों 36 और 40 डिग्री, फ़ोन काफ़ी हीटअप हो चुका है 26 मिनट में ही, क्योंकि प्रोसेसर इतना दमदार नहीं है दोस्तों। कहीं कहीं हमें लैग की प्रॉब्लम भी मिली, काफ़ी जगह पर लैग की फीलिंग भी हुई, क्योंकि P35 इतना दमदार प्रोसेसर नहीं है। आपको हीटअप का प्रॉब्लम भी हो सकता है इस फ़ोन में, और उसके अलावा परफॉर्मेंस में भी आपको जो है वो इतना बेहतर नहीं मिलेगा, क्योंकि HD हाई सेटिंग्स भी नहीं है और यहाँ पर हीटअप बहुत ज़्यादा होगा ये फ़ोन। तो PUBG के लिए मैं समझता हूँ ये फ़ोन नहीं है, गुजारा करने के लिए अगर खेलना चाहे टाइम पास के लिए तो ठीक है, ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा तंग भी करेगा ये फ़ोन। ग्राफिक्स वगैरह भी बिल्कुल नॉर्मल दी गई हैं। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी ये सारा कुछ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।